सरकार की अजमत अलग है, सरकार की फजीलत अलग है। जिस तरह सारे नबियों में हमारे नबी की फजीलत और ज़ात जुदागाना है, ठीक इसी तरह सारी रातों में आज की रात जुदागाना है। आज की रात की कोई बात नहीं है, भैया आज की रात की कोई मिसाल नहीं है, फिर आज की रात की तरह कोई बरकत वाली रात नहीं है। इस एतबार से कि एक रात शबे कद्र भी है, जो इंशाअल्लाह ताला हम पाएंगे। रमज़ान के आखिरी दहे में शबे कद्र भी आती है, शबे कद्र भी एक रात है, लेकिन शबे कद्र हज़ार महीनों से बेहतर होने के बावजूद वो बात नहीं रखती जो आज की रात रखती है। वो इस तरह कि शबे कद्र में बंदों के ऊपर जिम्मेदारी है, शबे कद्र के बारे में बंदों के लिए एक जहमत का तसव्वुर है, बंदों के लिए एक जस्तजू की मशक्क़त है। सरकार दो आलम ने फरमाया कि आए मेरे उम्मतियों, अगर तुम शबे कद्र पाना चाहते हो तो शबे कद्र रमज़ान में तलाश करो, रमज़ान के आखिरी दहे में ढूंढो, हो सकता है कि तुमको मिले, हो सकता है कि तुमको न मिले। शबे कद्र ढूंढने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन आज की रात परवरदिगार आलम ने ढूंढने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे नहीं लादा, बल्कि अपनी रहमत से हमको अता फरमाया। शबे कद्र कौन सी है, कौन सी रात शबे कद्र है? यकीन के साथ, एतमाद के साथ, पूरे ईज़ान और ईकान के साथ, पूरी गारंटी के साथ कोई नहीं बता सकता कि शबे कद्र फला रात। 27वीं रात को हम शबे कद्र मनाते हैं, गालिब इम्कान है, भाई इम्कान ज़्यादा है कि 27वीं रात रमज़ान की शबे कद्र हो, लेकिन 27वीं रात ही है। हर साल 27वीं रात को ही रमज़ान में शबे कद्र आती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि किसी साल 27वीं शब को आए, किसी साल 21वीं रात को आए, किसी साल 23वीं शब को शबे कद्र आए, किसी साल 29वीं को शबे कद्र आए। पूरे आखिरी दहे में जाग के तलाश करने की जिम्मेदारी है। हो सकता है कि तुमको शबे कद्र मिले फला रात में, लेकिन आज की रात के बारे में न तरद्दुद है, न शक है, न गुमान है, न वहम है, न ख्याल है, बल्कि आज की रात के बारे में अल्लाह की तरफ से गारंटी है कि शबे बरात आज ही की रात। फिर हर रात शबे बरात शाबान की इसी 15वीं शब को आती है। इसमें बंदों को मेहनत से, जुस्तजू से, तलब करने और मेहनत करके तलाश करने की जिम्मेदारी नहीं डाली गई। शाबान में तुम शबे बरात तलाश कर लो, नहीं, शाबान में तलाश करने की जिम्मेदारी नहीं है शबे बरात को, बल्कि तयशुदा अम्र है कि शाबान की 15वीं शब यानी आज की रात ही शबे बरात होती है। जो बंदा आज की रात शबे बरात में नजात हासिल करता है, वो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की रिजा का परवाना ले लेता है, फिर वो जन्नत में पहुंच जाता है। तो आज की रात के बारे में गारंटी है, शबे कद्र के बारे में यकीनी कैफियत नहीं है। लेकिन अफसोस है हम पर कि अगर हम ऐसी पूरे एतमाद बिला तरद्दुद गारंटी वाली शब आने के बावजूद अगर हम सुस्ती काहली से काम लेते हुए आज की रात को ज़ाये करेंगे, तो फिर हमसे ज़्यादा बदबख्त शकी कोई और नहीं हो सकता। शबे कद्र को छुपा के अल्लाह ताला बंदों के ऊपर मेहनत को लगा दिया, शबे बद्र बरात को दिखा के अल्लाह ताला कम से कम शबे कद्र ना पाने वाले बंदे आज की रात जो गारंटी की है इसमें कुछ करके मेरी तरफ से मग़फ़िरत हासिल कर लें, तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है। तो ये रात जो हमारे पास आई है इसके अंदर यकीनी कैफियत है आज की रात ही शबे बरात। मैं यहाँ एक बात, मैं एक एतराज़, एक सवाल, उसका जवाब देते हुए कुछ आगे बढ़ना चाहता हूँ। शैतान ये चाहता है
ये तो बात शैतान की ही है, याद रखें। शैतान ये चाहता है कि बंदे को सब कुछ मिले। शैतान की आरजू तमन्ना ये है कि मोमिनों को सब कुछ मिले, दौलत मिले, सल्तनत मिले, शौकत मिले, हुकूमत मिले, शान मिले, दुनिया की, दुनिया का कर्र फर मिले, दुनिया की आराइश और राहत मिले। लेकिन शैतान ये नहीं चाहता कि एक मोमिन को, सरकार के उम्मती को मग़फ़िरत मिले, माफ़ी मिले, ये शैतान नहीं चाहता। शैतान की पूरी कोशिश, याद रखें, ये हरगिज़ नहीं है कि मोमिनों को बादशाहत न मिले, नहीं। वो कहता है कि मोमिन बंदा बादशाह बनना चाहता है, मतलब मुझे कोई फिक्र नहीं है, बन जाए, मैं खुद बादशाह बना देता हूँ, मैं खुद उसके सर पे ताज बादशाहत का रखने के लिए तैयार हूँ। शैतान, शैतान को अगर चिढ़ है तो बंदों की मग़फ़िरत से है, बंदों की बख्शिश से है। शैतान हरगिज़ ये नहीं चाहता कि एक मोमिन बख्शा जाए, एक मोमिन की बख्शिश हो जाए, क्यों? इसी मोमिन की बख्शिश में दुनिया व आखिरत की कामयाबी है। तो शैतान हरगिज़ ये नहीं चाहता, तो नहीं चाहकर वो हर तरह तरह के हथकंडे इख्तियार करता है। मग़फ़िरत की जब बात आती है, या मग़फ़िरत की जब रात आती है, मग़फ़िरत की जब घड़ी आती है, मग़फ़िरत की जब साथ और मग़फ़िरत का वक्त आता है, शैतान हर किस्म से, हर तरीके से बंदों के जहन में कुछ गुमान, कुछ वहम, कुछ एतराज़, कुछ सुस्ती काहली का तसव्वुर पैदा करके मग़फ़िरत से दूर करना चाहता है। तो उसमें से एक सुस्ती काहली और शैतान की तरफ से एक बहुत बड़ा एतराज़ है आज के ज़माने में। वो एतराज़ ये है, ये बात याद रखिए, ज़रा सुनने की बात है, जहन में बिठाए हुआ भाई। आज की रात के बारे में भी शैतान की कोशिश है कि बंदों को आज की रात मग़फ़िरत मिलने वाली है। ये जो मग़फ़िरत मिलने वाली है, मग़फ़िरत बंदों की तरफ से कोशिश से मिलने वाली भी नहीं है। परवरदिगार आलम, हदीस में आता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला बंदों को आज की रात मग़फ़िरत देने के लिए अपनी शान के लायक अर्श से पहले आसमान पे तशरीफ लाता है। किसके लिए आता है? दौलत तकसीम करने के लिए नहीं, सल्तनत बांटने के लिए नहीं, मग़फ़िरत देने के लिए, बख्शिश देने के लिए। एक तरफ रहमान, बख्शिश देने के लिए अपनी शान के लायक पहले आसमान पे आकर बंदों को पुकारता है, है कोई माफ़ी मांगने वाला, मैं उसको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ शैतान ये चाहता है कि बंदों को सब कुछ मिले लेकिन मग़फ़िरत न मिले। तो उसके लिए एक एतराज़ पैदा कर दिया शैतान। क्या भाई एतराज़ ये है शैतान की तरफ से कि मियाँ, ये जो शबे बरात आप मना रहे हैं, या मस्जिदें भरी हुई हैं, नमाज की पाबंदी, नवाफिल की अदायगी, फिर ख़दा नमाज़ों की पूरी तैयारी, ख़दा नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं, दुआएं हैं, नजात की दुआएं, आहो बुका हो रहा है, दिल शर्मिंदा है, तौबा है, इस्तिग़फ़ार है, ये जो कैफियत में आज आप बैठे हैं अल्लाह के घर में, खाने खुदा में, शैतान ये कहता है याद रखो कि आज की रात की कोई अहमियत नहीं है। ये इतराज़ डाला, शबे बरात की कोई अहमियत नहीं है, कोई इसका एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं है। वो पहला शोशा ये छोड़ता है कि इसकी अहमियत नहीं है। जब अहमियत नहीं है तो फिर अब क्यों सब कुछ करें, बंदा क्यों तैयार होगा कुछ करने के लिए। तो शैतान का एक बहुत बड़ा एतराज़ हो रहा है आज के ज़माने में कि इसकी कोई अहमियत नहीं है। फिर उसके लिए दलील देखिए, सुनिए गौर से, शैतान की दलील क्या है। भाई आज की रात की अहमियत नहीं, उसकी दलील ये जो मैं अभी सूरह दुखान की इब्तदाई आयतें पढ़ा, तो यही आयतें दलील हैं। शैतान भी दलील बना रहा है। वो क्या है? ये जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि वल किताबिल मुबीन इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, बेशक हमने इस कुरान को एक बरकत वाली रात में नाजिल फरमाया। बरकत वाली रात, तो बरकत वाली रात कौन सी है?
ये बरकत वाली रात से मुराद कौन सी रात है? तो मैं बिल्कुल गैर जानिबदाराना अंदाज में गुफ्तगू अर्ज कर रहा हूँ, पूरे तफसीरों की, पूरे शारहीन की शुरुआत की, कि लैले मुबारक सूरह दुखान की इस आयत में जो मुबारक आयत, मुबारक रात कहा गया, मुबारक रात, इस रात से मुराद कौन सी रात है? इस सिलसिले में सहाबा में भी इख्तिलाफ है। क्या है बोली? सूरह दुखान की इब्तिदा में जो मुबारक रात का जिक्र आया, उस मुबारक रात से कौन सी रात मुराद है उसके बारे में सहाबा के दरमियान भी इख्तिलाफ है। बाद सहाबा ने फरमाया ये मुबारक रात से मुराद शबे कद्र है, बाद सहाबा इकराम ने फरमाया मुबारक रात से मुराद शबे बरात है। बोलिए किसके बारे में आया इख्तिलाफ? ये जो आयत के अंदर आया लैलति मुबारका, मुबारक रात, मुबारक रात में हमने कुरान नाजिल किया, तो मुबारक रात से मुराद बाद सहाबा फरमाते हैं शबे कद्र है। बाद सहाबा कहते हैं इस रात से मुराद जो कुरान में जिक्र आया उससे मुराद शबे बरात है। शबे बरात बोलने वाले लोग भी सहाबा हैं, बात के कोई मौलाना नहीं है, सहाबा हजरत इकरीमा। तफसीर कबीर में इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़े तौर पे बयान फरमाया आज की रात शबे बरात यही रात मुराद है कुरान की आयत में जिस रात की बात हो रही है शबे बरात मुराद है। ये हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह का कहना है। मुबारक रात से मुराद शबे बरात है, हजरत इकरीमा का कौल है, सहाबी रसूल है, दीगर और सहाबा से मनकूल है। मगर बाद सहाबा कहते हैं कुरान की उस आयत में जो आया मुबारक रात उससे मुराद शबे कद्र है। तो शैतान ये कहता है देखो मियाँ, बाज़ लोग बोले मुबारक रात से मुराद शबे कद्र है लिहाजा आज क्यों जाग रहे हैं, बरकत वाली रात इससे मुराद शबे कद्र है लिहाजा आज का जागना गलत, क्योंकि बरकत वाली रात शबे बरात नहीं शबे कद्र बोल के बोले साहबा। शैतान ये चाल चल रहा, मैं इसको दूर करने की हत्तल मकदूर कोशिश कर रहा हूं। याद रखें पहले मेरी तरफ से जवाब सुने, आज की रात शबे बरात ये मगफिरत की रात है, ये नजात की रात है, ये वो रात है जिस रात के बारे में आकाए दो जहां ने फरमाया कि शबे बरात जब आती है तो अल्लाह तबारक व तआला, हदीसों में आया, सिहा सिद्दा की किताबों में हदीसें हैं, ये सिहा सिद्दा बड़ी मोतबर तरीन किताबों में आया, हदीस शरीफ में आता है कि आज की रात अल्लाह तबारक व तआला चंद एक मकाम पे बैठे हुए बंदों की नहीं, किसी ग्रुप और जमात की नहीं, किसी मखसूस तबके की नहीं, किसी मखसूस ख़ानदान की नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज की रात बनी कल्ब की लाखों बकरियों के जिस्मों पर जितने बाल हैं या बाल थे उन बालों की मकदार से भी ज़्यादा लोगों की मगफिरत फरमाता है। कब? शबे कद्र में नहीं, आज की रात। शबे बरात में अल्लाह ताला बनी कल्ब के कबीले की हजारों बकरियों के जिस्मों पर जितने बाल उनसे ज्यादा तादाद में गुनाहगारों की मगफिरत फरमाता है। तो आज की रात की अहमियत अलग है, ये मगफिरत की रात है, ये नजात की रात है, ये रहमत की रात है, ये बराअत की रात है, ये अल्लाह की तरफ से मिलने वाली कसीर रहमत की रात है। इसकी अहमियत अजमत ये मुसल्लम है, हदीस की किताबों में मौजूद है, मगर इख्तिलाफ किस में है? शैतान जो उठा रहा, इख्तिलाफ सिर्फ इसमें है कि कुरान की आयत में जो बयान किया गया मुबारक रात, तो उस मुबारक रात से मुराद शबे कद्र है या शबे बरात, इसमें इख्तिलाफ साहबा। कुरान की आयत के अल्फाज की तशरीह तफसीर में इख्तिलाफ है, बाकी आज की रात की अजमत में किसी को इख्तिलाफ नहीं। शबे बरात मगफिरत की रात है, किसी को इख्तिलाफ नहीं, कोई साहब इख्तिलाफ नहीं किए।
एक आयत के मतलब के बारे में इख्तलाफ है, वो मतलब होना अलग है, रात की अहमियत होना अलग है। भाई हर चीज में इख्तलाफ होता, जब किसी चीज में इख्तलाफ हो तो अहमियत खत्म नहीं होती कभी भी। मिसाल के तौर पे मस्जिद नूर है, तो मेरे को इसकी तासीस और इसकी बुनियाद कब रखी गई तारीख से पता नहीं है, मैं वाकिफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ बात अर्ज समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। बाद लोग कहते हैं कि ये मस्जिद नूर मिसाल के तौर पे 2000 में बनाई गई, नोट नहीं, ये सन की बात हो रही, 2000। बाद लोगों का कहना है 2005 में बनाई गई, बाद लोग कहे 2000 में, बाद लोग कह रहे हैं 2005 में मस्जिद नूर बनाई गई, तामीर की गई। इख्तलाफ हुआ हुआ नहीं हुआ? इख्तलाफ होने के बाद क्या मस्जिद की अहमियत खत्म हो जाती? चूंकि बाद लोग कहते हैं 2000 में बनाई गई, बाद लोग कहते हैं 2005 में बनाई गई, लिहाजा मस्जिद नहीं, मस्जिद की अहमियत खत्म नहीं। याद रखें कि किसी एतबार से कभी किसी के बारे में इख्तलाफ हो तो इख्तलाफ भी रहमत के लिए होता है, तो अहमियत घटाने के लिए नहीं होता है। ठीक इसी तरीके से कुरान में सूरह दुखान के अंदर ये जो मुबारक रात का जिक्र आया, उससे मुराद कौन सी रात है, उसमें सहाबा के दरमियान इख्तलाफ है। बाकी इस रात की अजमत के बारे में एक सहाबी का भी कोई इख्तलाफ नहीं, सारे सहाबा इस रात की अहमियत और अजमत को जानते मानते थे सारे सहाबा। आयत में कौन सा मतलब है उसके बारे में इख्तलाफ, बस इतना ही इख्तलाफ। इस इख्तलाफ को लेकर जमाना उठ रहा, तहरीर भी हो रही, तकरीर भी हो रही, शबे बरात की अहमियत घटाने के लिए कि देखो कुरान के अंदर वो जो आयत आई उसके बारे में सहाबा इख्तलाफ कर लिए। क्या बाद लोग बोले मुबारक रात से मुराद शबे बरात, बाद लोग बोले शबे कद्र, लिहाजा क्यों जागते मियाँ, क्यों शबे बरात मानते? नहीं दोस्तों, सिर्फ आयत के मतलब के बारे में इख्तलाफ, उससे मुराद कौन सी है। बाकी इस रात की जो अहमियत सारी हदीसों से साबित है, हदीसों से साबित है, सहाबा की सीरतों से साबित है, ताबीईन के इरशादात से साबित है, पहले से लेकर आज तक सारी उम्मत के अमल से साबित है। इसकी अहमियत के बारे में ये पूरा मुसल्लम अमर चल रहा है। आयत के एक लफ्ज के माना के बारे में, मतलब के बारे में अलग अलग तौजीहात हैं, उसकी वजह से रात की अजमत और अहमियत कम नहीं होती है, कम नहीं होती है। एक मिसाल दे के अर्ज करूं, कुरान मजीद के अंदर आया हाफिज़ू अला सलावाती व सलातिल उस्ता, ए लोगो तुम नमाजों की पाबंदी करो, खास तौर पे दरमियानी नमाज की पाबंदी करो, दरमियानी नमाज की। तो इसी दरमियानी नमाज के बारे में मुख्तलिफ मफहूम बताए गए। बाद लोगों ने कहा दरमियानी नमाज से मुराद जोहर की नमाज है, बाद लोगों ने मुफस्सिरीन ने कहा नहीं असर की नमाज है। भाई असर की नमाज है, इख्तलाफ हो गया दरमियानी नमाज से मुराद कौन सी, आयत के मतलब में इख्तलाफ हो गया। इस इख्तलाफ की बुनियाद पर ना जोहर की अहमियत खत्म होती है, ना असर की अहमियत खत्म होती है, नमाज की अहमियत अपनी जगह मुसल्लम रहती है। मतलब बयान करने के एतबार से अलग अलग पहलू उम्मत के सामने आते हैं। भैया अजमत होना अलग है आयत में या हदीस में, उसके मतलब के बारे में कोई इख्तलाफ होना अलग है, कोई इख्तलाफ होना ये अलग है। तो चुनांचे इतनी बात अर्ज करके मैं आगे अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है आज की रात मुबारक रात है। ये हजरत इकरीमा दीगर सहाबा से मनकूल है, रिवायतें हैं, पूरे मुफस्सिरीन फरमाते हैं आज की रात ये मुबारक रात। फिर आज की रात के चार नाम हैं, कितने बोली? पहला नाम कुरान में आया लैलत मुबारक, बरकत वाली रात। आज की रात को बरकत वाली रात कहा गया, जरा बरकत मुलाहजा फरमाए रात की। बरकत हम किसको कहते हैं? बरकत कहते हैं चीज जितनी मकदार में है उस मकदार से ज्यादा फायदा हो जाए। पहले जमाने में बरकत बहुत थी, एक शेर चावल या जौ कई लोगों का काफी हो जाता था, मगर आज एक को भी काफी नहीं होना।
वो थी। तो बरकत का मतलब चीज जितनी मकदार में है उससे ज्यादा लोगों को फायदा हो जाए। मुट्ठी भर होती कोई चीज पहले जमाने में 10 लोगों का पेट भर जाता, इसको हम बरकत कहते हैं। ऐसे ही है ना बरकत। तो आज की रात भी बरकत वाली है। मतलब यह है कि बंदा अगर कम अमल करता है अल्लाह तबारक ताला पहाड़ों के बराबर थवाब देता है। थोड़े अमल में बरकत ज्यादा होती है, अमल थोड़ा हो फायदा ज्यादा हो जाता है, ये एक बरकत है। दूसरे बरकत का एक अजीब तस्वीर है आज की रात, वो ये है जितनी बदअमलियां हैं पहले की, जितनी भी खराबियां हैं, आज की रात सारी खराबियों को भी अच्छाई में तब्दील करती है। जितने गुनाह और खराबियां हैं वो सब अच्छाइयों में तब्दील, जितने अच्छाइयां हैं, एक सजदा है तो नियत के मुताबिक 1000 सजदों के बराबर सवाब, इसीलिए इसको बरकत वाली रात कहा गया। दूसरा नाम है रहमत की रात, ये रात लैलतुर रहमा, रहमत की रात है। रहमत ये अल्लाह की तरफ से नाजिल होने वाली खैरात का नाम है। आज इतनी बड़ी रहमत हमको मिलने वाली है, बल्कि सिलसिला मिलने का शुरू हो चुका है। आज ग़ुरूब आफ्ताब के फौरी बाद से अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक पहले आसमान पे तशरीफ लाया हुआ है। हम में से हर एक को निदा करके पुकार के झिंझोड़ के बुला रहा है, हल मिन मुस्तगफिरिन फाग़फिर लहू, है कोई माफी मांगने वाला, आज मैं आके माफ करने के लिए तैयार। ऐ बंदे तू रोजाना खुद आता था, मेरी मर्जी थी, मैं चाहे तो माफ करूं चाहे तो रद्द करूं, लेकिन आज मैं, आज की रात की बरकत और रहमत का सदका है, मैं आके माफ करना चाहता हूं, मैं माफी आके दे रहा हूं। तू अपनी तरफ से आके माफी मांगे, कोई गारंटी नहीं कि मिल भी जाए, रद्द भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं आके दे दूं रद्द होने का सवाल ही नहीं है। माफी मिल के रहेगी तो दोस्तों इतनी बड़ी अजीम रात को यह कहना कि इस रात की अहमियत नहीं है, कितनी बड़ी बद्दी आती है। लाखों लोगों की बख्शिश हो रही है आज की रात। सरकार ने बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर बख्शिश फरमाया, फिर भी रात की अहमियत नहीं, फिर भी रात की अहमियत नहीं। भाई आज की रात थोड़ा किया जाए तो बेहिसाब दिया जा रहा है, फिर भी रात की अहमियत नहीं। हदीसों में आया कि आज की रात जब आ जाए, सरकार ने फरमाया खूमू लैलहा वसूमू नहारा, जब शबे बरात आए, निस शाबान की शब आ जाए, आज की रात आए, तो उसकी रात में तुम खियाम करो, अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर राजो नियाज की बातें करो, वसूमू लैला नहा रहा, और दिन आ जाए तो रोजा रखो, इससे बेशुमार फायदे होंगे। सरकार फरमा रहे हैं आज की रात में खियाम करो, लेकिन शैतान कह रहा है आज की रात की अहमियत नहीं। बरकतें मिल रही हैं मगर रात की अहमियत नहीं है, मगफिरतें मिल रही हैं रात की अहमियत नहीं है, अल्लाह आके दे रहा है माफी, रात की अहमियत नहीं है। आज नजात की सनद हाथ में थमाई जा रही है, रात की अहमियत नहीं है। चेक दिए जा रहे हैं, चेक लिख के चेक दिए जा रहे हैं, हाथ में थमाए जा रहे हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं अर्ज कर रहा हूँ, तफसीर रुहुल बयान एक बहुत बड़ी तफसीर है, तो उसके अंदर आया आज की रात का नाम है चेक दिए जाने की रात, लैलतुस शक। भाई अरबी में चेक को शक बोलते हैं। चेक दिए जाने की रात है, लिख के परवाना दिए जाने की रात है, गारंटी के साथ नजात की सनद दी जाने की रात है। तफसीर रुहुल बयान खोलिए आप, उसमें आता है हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, बड़े खलीफा गुजरे, ये वो खलीफा हैं जिन्होंने हजरत उमर की खिलाफत की याद दिला दी थी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आया आज की रात हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह क़ियाम कर रहे हैं, मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं, अदा करने के बाद बाहर निकले, रूहुल बयान में आया तफसीर रूहुल बयान। जब आप
قیام کر کے باہر نکلے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا, نظر آسمان کی طرف ڈالی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے, تو آپ نے دیکھا کہ اوپر سے ایک ہرا کاغذ آ رہا ہے. یہ چھوٹی موٹی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں, تفسیر روح البیان عربی. حضرت عمر بن عبدالعزیز باہر نکلے آج کی رات قیام کر کے, نماز پڑھ کے, توبہ کر کے, تو آپ نے دیکھا کہ آسمان کی طرف سے ہرا کاغذ آ رہا ہے جس کے اندر چمک ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تعجب سے دیکھتے ہوئے کھڑے ہو گئے. وہ کاغذ اپنی طرف سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرف آیا, جیسے ہی قریب آیا آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو لیا اور چوما, کھول کے دیکھا, اس کے اندر سنہرے الفاظ میں لکھا ہوا تھا, اے عمر بن عبدالعزیز, اس ملک عزیز کی طرف سے تجھے معافی دی گئی ہے. تو آج صرف معافی کا اعلان نہیں کیا جاتا, صرف کہا نہیں جاتا کہ معاف کر دیے گئے, لکھ کے دیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ لکھ کے دیا جاتا ہے کہ تم کو معافی مل چکی ہے. اے اللہ کی رحمت کا تصور ہے یہ. کیا ہے یہ؟ اللہ کی رحمت کی ادا ہے, وہ لکھ کے معافی دیتا ہے, لیکن بندے اہل ہونا پڑتا ہے. چیک ہر ایک کو نہیں دیا جاتا, پہلے کھاتا کھلاؤ, پہلے اہل اور مستحق ہونا پڑتا ہے, تو تب کہیں اللہ کی طرف سے رحمت اور نجات کا چیک دیا جاتا ہے. لیکن ہم جیسے گناہگار بھائی, ہم اللہ کی رحمت کے اہل اور مستحق تو نہیں بنے, ہمارا کردار ایسا نہیں بنا, ہمارا کیا ہوگا؟ حدیث شریف میں آتا ہے, تفسیر روح البیان میں اور دیگر بڑی بڑی تفسیروں میں آیا, حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں, شاید تفسیر روح البیان میں بھی یہ حدیث موجود ہے, ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے یہ جملہ سنیں, جتنے اہل ہوتے ہیں, جتنے بولیے, جتنے اہل ہوتے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے رحمت ملتی ہے, جتنے نااہل ہوتے ہیں ان کو مصطفیٰ کی طرف سے شفاعت ملتی ہے. ہم جیسے نااہلوں کے لیے آج کی رات, روایت میں آیا ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, بھائی آج کون سی رات ہے؟ شعبان کی 15ویں, تو اس سے ذرا پہلے 14ویں, پھر اس سے ذرا پہلے 13ویں. سرکار کے بارے میں آیا حدیث میں, سرکار 13ویں رات کو شعبان کی پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا فرمائے, پروردگار میری امت کو معاف کر دے. شعبان کی 13ویں شب کو سرکار نے دعا فرمائی, اے اللہ میری امت کو معاف کر دے, تو حضرت جبریل پروانہ لے کے آئے, یا رسول اللہ آپ کی امت کے 3 حصے اللہ نے بنا دیا, 3 حصے پوری امت کی, تو اس میں سے 1/3 حصے کو اللہ نے آپ کی دعا سے 13ویں کو معاف کر دیا ہے. 13ویں شب کو 1/3 معاف کر دیا گیا ہے, آپ خوش ہو جائیں. لیکن سرکار, اچھا یہ امت کا جو 1/3 حصہ ہے وہی سرکار کی امت ہے, باقی 2/3 حصے نہیں ہے؟ بولیے, پوری امت امت ہے, تو 1/3 حصہ 13ویں کو معاف ہو گیا. 14ویں کی شب آئی, کل جو گزری تھی, سرکار نے پھر دعا فرمائی, مولا میری امت کو معاف کر. تو اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے, وہ جبریل کو بھیجا, میرا محبوب شاید کل کی مغفرت سے ابھی خوش نہیں ہوا, 13ویں کو سلس 1/3 امت معاف کر دی گئی, میرا محبوب ابھی خوش نہیں ہوا, دوسری رات پھر امت کی مغفرت کی دعا کر رہا ہے, جبریل جاؤ خوشخبری لے کر کہ 2/3 امت معاف کر دی گئی, 2/3 امت معاف کر دی گئی.
हजरत जिब्रील आए, सुना के खुशखबरी चले गए। आज की रात 15वीं शब आई, 13वीं को एक तिहाई, 14वीं रात को एक तिहाई, फिर आज 15वीं रात थी निशाबान की। तो आज की रात भी आखा है दो जहां अल्लाह की बारगाह में हाथ दराज फरमाए, मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे। हजरत जिब्रील अलैहि सलाम हाजिर हुए आज की रात, फिर आपने अल्लाह का पैगाम सुनाया कि या रसूल अल्लाह 13वीं को सुलूस उम्मत को माफी मिली, 14वीं रात में एक और सुलूस को माफी मिली, और आज की रात भी आप मगफिरत की दुआ फरमा रहे हैं। परवरदिगार आलम ने आपकी रजा खुशी के लिए यह हुक्म और पैगाम देके भेजा है कि मैं आपको सुना दूं, आज की रात आपकी उम्मत के सारे गुनाहगारों को माफी मिल चुकी है सिवाय सरकश और बेअदब लोगों। आप बताएं, रहमत तो शक दे रही थी किसको, भाई अल्लाह की रहमत चक तकसीम कर रही थी किसको, ये हकदार अहल लोगों को, मगर हम जैसे ना अहलों को मुस्तफा की शफाअत दे रही थी। 3 दिन सरकार ने अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाई, इसी को शफाअत मुस्तफा कहते। सरकार ने सिफारिश फरमाई, तो आज की रात एक मखसूस तंग तसव्वुर लेके बैठने की रात नहीं है, याद रखें। तंग तसर हमारे पास अलग पैमाने हैं, हमारे पास कोई मुजरिम है एक मर्तबा जुर्म कर लिया तो जिंदगी भर का मुजरिम होता ना, बेचारा एक मर्तबा जुर्म कर लिया जाहिर हो गया, खुदा ना खास्ता कोई चोरी कर लिया तो जिंदगी भर का चोर है। हम यही है, अरे चोर जा रहा है, अरे चोर बैठा हुआ है, अरे चोर होटल में, अरे चोर ऐसा है, जिंदगी भर का मुजरिम हो जाता है। लेकिन अल्लाह की रहमत देखें, फिर आज की रात की बरकत देखें, आज की रात चोरों को वली बनाया जाता है। चोरों के जुर्म को सिर्फ माफ नहीं किया जाता बल्कि उनको वली बनाया जाता है, उनको वली बनाया जाता है। फिर आखिरी बात यह अर्ज करके अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं, आज की रात जुर्मों को देखा नहीं जाता, आज की रात दिल की कैफियतों को देखा जाता है, बहने वाले आंसुओं को देखा जाता है, तड़पने को देखा जाता है, बंदे के मचलने को देखा जाता है, बंदे की रिक्कत कल खल को देखा जाता है, बंदे की आजिज़ी इनके सारी को देखा जाता है। दोस्तों ये तसव्वुर आप फौरी निकालना है, हमने ये जुर्म कर लिया था, हमने फलां गुना किया था, हमने फलां गुना किया था। दोस्तों इस तसव्वुर को ख़त्म करके एक नई जिंदगी का सूरज तुलू करने के लिए ऐसी तौबा और ऐसी माफ़ी अल्लाह की बारगाह में मांगी जाए कि जिंदगी में अल्लाह तबारक व ताला के करम से फिर गुनाहों के अड्डों की तरफ हमारे कदम न लपके न जाएं। आज जुर्मों को देखने की ज़रूरत नहीं, आज उसकी अताओं को देखने की ज़रूरत है, भाई आज उसके अताओं को देखने की ज़रूरत है। हमारे पास होगा एक मर्तबा का मुजरिम, हमेशा का मुजरिम, लेकिन उसके पास हजारों साल का मुजरिम भी मासूम बन जाता है, नेक बन जाता है। फिर अता के ऐसे दरवाजे खुलते हैं, भाई अता के दरवाजे नाकाबिले तसव्वुर है। एक वाक्य अर्ज करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। विलायत की सफ में यानी औलिया की जमात में एक बहुत बड़ा नाम है, ये गौसे आदम से भी बहुत पहले के, उनका नाम है हजरत खाजी इयाज रजी अल्लाह, हजरत फुज़ैल बिन इयाज रजी अल्लाह ताला, हजरत फुज़ैल बिन इयाज रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े वली हैं। याद रखें इनकी विलायत के मैं चर्चे नहीं बयान कर सकता, वक्त कम है, ऐसा समझें वलियों की जमात का जिक्र हजरत फुज़ैल बिन इयाज के बगैर नामुकम्मल रहता। ये वो शख्सियत हैं, लेकिन इनके बारे में आया कि ये अपनी इब्तदाई अहवाल की जिंदगी में डाकू थे। क्या थे? डाकू बड़ा होता चोर बड़ा होता, डाकू
भाई अलानिया जागते में काफिलों को लूटने वाले को कहते हैं। भाई आहिस्ता से बस में बाजू वाले की पॉकेट मार लेने वाले को नहीं बोलते। डाकू थे हजरत फुज़ैल बिन इयास। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, जुर्मों को देखने की रात नहीं, यह अताओं को देखने की रात है। हजरत फुज़ैल बिन इयास डाकू ही नहीं थे, डाकुओं के सरदार थे। आपकी पूरी तारीफ पढ़िया, डाकुओं के सरदार थे। सरदार भी ऐसे अजीब ढंग के, डाकू जो आपके मातहत काम करने वाले थे वो सड़क और रास्ते पे खड़े रहते, डाका डालते, काफिलों को लूट के माल लाते, माल को जाता हुआ लेके जाता हुआ लोग, सितम रसीदा लोग, काफिले वाले जब आजीदी इनके जारी करते हुए आपके पास तक आ जाते, क्योंकि डाकू सारे माल आपके पास लाके जमा करना था, सरदार है डाकुओं के, तो लोग आके देखते तो अजीब कैफियत के डाकुओं के सरदार बैठे हैं, हाथ में तस्बीह है, मुसल्ला बिछा हुआ है, फिर अल्लाह अल्लाह की सदाएं जुबान से बुलंद हो रही, डाकू माल लूट रहे हैं लाके आपके सामने जमा कर, फिर आप सारे डाकुओं में माल तकसीम करते हैं, जितना उनका हिस्सा है फिर अपना हिस्सा निकाल के ले लेते हैं। ये कैफियत चल रही थी, डाकुओं के सरदार हैं लेकिन हाथ में तस्बीह है, एक लोगों को धोखा देने के लिए कैसा मामला था उस जमाने को। एक वक्त ऐसा आया भाई, एक लम्हा आया, एक लम्हा आया, सिर्फ एक घड़ी आई, वो घड़ी आज की रात की थी। जिंदगी भर डाका डालते रहे, एक बहुत बड़े काफिले को दिन में लूटा गया, हजरत फुज़ैल बिन इयास की बारगाह में सबको पेश किया गया माल, हर सतम सितम रजीदा, कोई बेवा है, कोई गरीब माँ है, कोई बूढ़ी है, कोई कमजोर है, कोई बूढ़ा है, कोई फकीर तंगदस्त है, सबका माल लूटा गया, जमा किया गया, आप तकसीम कर रहे हैं। काफिले वाले ललकार रहे कि माफ कर दीजिए, थोड़ा माल बचा के दे दीजिए, लेकिन आपको कोई असर नहीं होता। आप फरमाते हैं सब माल लूट लिया जाए, किसी का माल छोड़ा ना जाए। ये दिल की सख्ती का ये आलम था। उन्हीं काफिले वालों में से आज की रात माल लूटा जा रहा है। शबे बरात का तसव्वुर नहीं है, शबे बरात कहते किसको है वो भी नहीं मालूम। मालों की तकसीम हो रही, डाकुओं के माल तकसीम किए जा रहे हैं। एक तरफ अल्लाह ने फरमाया कुरान में, फीहा युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम, आज की रात अल्लाह ताला की तरफ से हर फैसले वाली बात को तकसीम किया जाता है, हर हिकमत वाला काम तकसीम किया जाता है। मगर वो डाकू माल तकसीम कर रहे थे, माल तकसीम हो रहा, एक शख्स से देखा नहीं गया, बड़ा रकीकुल खल्क शख्स था, भाई अल्लाह का प्यारा बंदा था, लुटे हुए काफिले में खड़ा है। जब माल लूटा गया, बेदर्दी से माल के डाकुओं के सरदार फुज़ैल बिन इयास ने माल को छीना, सबके दरमियान तकसीम किया, किसी के साथ मुरव्वत नहीं हो रही है, अब खाली हाथ वापिस होना है काफिला, तो उसमें से एक शख्स वापिस होते हुए आज की रात की दुहाई देकर कुरान मजीद के सूरह हदीद की एक आयत पढ़ता है। कुरान मजीद में आता है, अलम यक्नि लिल्लज़ीन आमनु अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह के जिक्र से उनके दिल लरस जाएं, क्या वो घड़ी अभी नहीं आई कि उनके दिल कांप जाएं। ये आयत जैसे ही हजरत फुज़ैल बिन इयास जैसे डाकुओं के सरदार के कान में आई, गूंजी, हजरत फुज़ैल बिन इयास के जिस्म में कपकपाहट तैरी हो गई। शबे बरात थी, एक जाने वाला लुटा हुआ शख्स आयत पढ़ रहा था, जिसके अंदर अल्लाह के जिक्र से दिलों के कांपने का तसव्वुर था। भाई अल्लाह के जिक्र से दिल मुतहर्रिक होने का, नरम पड़ने का जिक्र था, भाई अल्लाह के खौफ से दिल रोने का जिक्र था। ये करीमात हजरत फुज़ैल बिन इयास के कानों में आए, हजरत फुज़ैल बिन इयास उठे, उस शख्स से लिपट गए,
भाई अभी डाकुओं के सरदार थे, भाई अभी डाकुओं के सरदार थे, मगर अभी ताइबीन के सरदार हो गए, तौबा करने वालों के सरदार हो गए। उससे लिपट कर जारो खतार रोते हैं, हाय अफसोस, मुझे ये भी तसव्वुर नहीं था कि आज शबे बरात, आज मग़फ़िरत की रात, आज नजात की रात है। तूने मुझे ललकारा, मेरे दिल को कांपने पे मजबूर कर दिया। सूरह हदीद की आयत, मेरे दिल को नरम बना दी। ज़ारो ख़तार रोने लगे, डाकू परेशान है कि सरदार को क्या हो गया। तो आपने बरमला ऐलान फरमाया, सुनो, अल्लाह को गवाह कहकर रख के कह रहा हूं, मैंने सारे गुनाहों से तौबा कर ली है। उसी लम्हा आपने तौबा फरमाई। जंगल में है अभी, किसी मकतब मदरसे में नहीं गए, किसी मस्जिद में नहीं गए, किसी रूहानी मरकज में नहीं गए, जंगल में ढाका डाल रहे थे। जंगल में इनकलाब आ गया और बुलंद आवाज से कहने लगे, मौला मुझे आज की रात माफ कर दे, मैं सच्चे दिल से तौबा कर रहा हूं। ये कलिमात आपके दिल की गहराई से निकलना था, उधर से पैगाम हक आता है, ऐ फुज़ैल बिन इयाद, आज की सुबह तक तू डाकुओं का सरदार था, लेकिन शबे बरात की बरकत से मैंने अभी तुझको वलियों का सरदार बनाया। जंगल में गए थे डाकुओं के सरदार की हैसियत से, जंगल से निकले वलियों के सरदार बन के। फिर उनके मर्तबे का ये आलम हुआ कि वलियों का तस्किरा हजरत फुज़ैल बिन इयाज के बगैर मुकम्मल नहीं होता है। हर तरीक़त का सिलसिला, चाहे नक्शबंदी हो, चाहे सहरवर्दी हो, चाहे चिश्ती हो, चाहे कादरी हो, हजरत फुज़ैल बिन इयाज के बगैर मुकम्मल नहीं होता। आप बताएं कितनी अजमत वाली रात है, कितनी अताओं वाली रात है, कितनी नवाजिशों वाली रात है, कितना बुला बुला के माफी देने वाली रात है, मगर शैतान कहता है कि रात की अहमियत नहीं। दोस्तों शैतान से होशियार रहें, रात की अजमत को समझें, दिल में यकीन रखें, आज की रात शबे बरात ये नजात की रात है। सुबह होने से पहले अल्लाह अपने करम से हमको मग़फ़िरत अता फरमाए। दोस्तों आज मांगने की रात है, बिलबिलाने की रात है, जितना चाहे अल्लाह से मांग लो। परवरदिगार आलम सबसे पहले मुझे ये तौफीक इनायत फरमाए कि आज के रात के तकद्दस के पेश नज़र मांगने का सलीका हमको मिले, मांगने का सलीका मिले। हमको मांगना नहीं आ रहा है, हम मुजरिम ज़माना है। मौला तू तो अता करने के लिए आया है, आज की रात हमको अता कर दे, हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारी हाज़िरी कबूल फरमा दे, हमारे ख़यालात को पाकीज़ा बना दे, हमारे दिल के अंदर एक ऐसा इनकलाब पैदा कर दे जिस इनकलाब के अंदर हजरत फुज़ैल बिन इयाज़ की रहमत की बारिश के छींटे हों। मौला ऐसा इनकलाब अता फरमा जिस इनकलाब में हजरत मालिक बिन दीनार के आंसुओं की खैरात हो। मौला ऐसा इनकलाब अता फरमा कि जिस इनकलाब के असरात में हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के आहों का के अनवार हों। वमा अलैना इल्लल बलाग, आप अपनी जगह तशरीफ़ रखें, मुझे ज़रा दूसरी जगह जाना है इंशाअल्लाह ताला। ये सिलसिला प्रोग्राम बाकी रहेगा, जारी रहेगा।